बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत गफूर रहीम और करीम और मेहरबान है। यहाँ पर इस वक्त एक फैमिली के पास मौजूद हूँ जो दर्द दिल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दो जवान बेटियाँ और एक वालदा। इस एक छोटे से मकान में रहते हैं और माँ कमाती हैं, बेटियों को घर में इज्जत से बिठाई हुई हैं। अब इनकी करनी है शादियाँ, तो इनसे जानना चाहते हैं कि वक्त कैसे गुजारते हैं। जी माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसे हैं, ठीक है? हाँ जी ठीक है। ये दोनों आपकी बेटियाँ हैं? हाँ जी बेटियाँ। और बेटा है? नहीं जी बेटा कोई नहीं। अच्छा, और आपके शोहर? जी वो भी नहीं। अच्छा वो भी नहीं है। ये जो घर है ये अपना है? जी ये घर अपना ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसका ये जो दीवार है ये छोटा क्यों है, मतलब इसके ऊपर आप लोग नहीं बनवाते कि नहीं, बनाने की हैसियत नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ये जो आपकी दो जवान बेटियां हैं इनकी मंगनियां हुई है कि नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, कोई रिश्ता आता है? जी रिश्ता तो फिर होता ही है। अच्छा हाँ जी। और लिखे पढ़े हैं दोनों कि नहीं? नहीं जी, पांच पांच। मतलब पांच पांच तक पढ़ी है। और इनको कुरान की सबक पढ़ाएं? हाँ जी कुरान तक पढ़ी है। अच्छा, आप रोजी रोटी कहाँ से कमाती है, क्या क्या तरकीब करते हैं आप? जी मेहनत मजदूरी करने है, किसी का काम कर ले, किसी की बाहर दिहाड़ी कर ले, ते बंदे तो नहीं कुछ भी होंगे। मतलब आप क्या काम करते हो बाहर? बाहर जी कोई सब्जी सब्जी तोड़ ली या कोई देखे ना। और ये बेटी आपके साथ जाती है कि नहीं? ये नहीं जाते जी, बेटियां नु किस ले लाया जावेदा, जे ना होवे तो फिर बेटियां दे नाल ही चली दा काम कार करी, इस तरह गुजारा नहीं होता है। इस वक्त आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पास नहीं है और आपको उसकी ज़रूरत है? क्या आपके घर में वाशरूम है? नहीं जी वाशरूम कोई नहीं है, नलका है टूटा भज्जा है। इसमें तो पानी तो आते है ना नलके में? हाँ पानी अंदर। अच्छा, और वॉशरूम? अच्छा आप लोग मुझे बताइए, वॉशरूम आपके घर में नहीं, आप लोग कहाँ जाते हैं वॉशरूम के लिए? हम बाहर जाते हैं। बाहर मतलब खेतों में? हाँ। अच्छा, और पानी तो इस नलके में तो पानी आ रहा है ना? हाँ पानी आ रहा है। अच्छा, और जैसे आपकी माँ कह रही है कि हम कोई काम काज करते हैं तो आप लोग इनके साथ जाते हैं? हाँ जी जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। काम क्या करती है आपकी माँ? यही करती, सब्जी की तुड़ाई करती। सब्जी की? हाँ। तो आप जब तीनों चले जाते हैं तो वहाँ से आप लोगों को कितना पैसे मिलते हैं? 600। एक बंदे को 600? अच्छा अच्छा, तो उसमें आप लोगों का गुजारा हो सकता है? नहीं जी गुजारा नहीं होता, मसे ही गुजारा करेगा। तो आपकी वालदा जो है वो आपकी शादी के लिए परेशान है? हाँ जी परेशान। परेशानी तो तब होती है कि आप में कोई खामी होती, आप में तो कोई खामी नहीं है, तो फिर क्यों परेशान किस बात की है? रिश्ते नहीं आते या आते हैं आप लोग रिश्ता देते नहीं, क्या वजह? इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है फिर तो। अच्छा हाँ। क्योंकि जब वो रिश्ता मांगते तो फिर जाहिर सी बात है फिर आप लोगों ने भी जहेज तो देना होता है। हाँ ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। आप बड़ी है, ये बड़ी है? मैं बड़ी। आप बड़ी है? आप पढ़ी लिखी? नहीं। और ये भी पढ़ी नहीं कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, और आप दोनों कुरान की सबक पढ़े? हाँ जी। अच्छा, आप अभी माँ के साथ जाती है खेतों में काम करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, भाई नहीं है, बाप नहीं है, कोई भी नहीं है? बाप है अगर जो ना, लेकिन वो साथ काम नहीं करता। काम नहीं करता। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको किस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपके घर में हम वो प्रोवाइड करें, हमारे देखने वाले भी देख रहे हैं, आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, हम आए इस चीज़ के लिए कि किसी फैमिली के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमारा काम है कि उसको स्क्रीन पर लाना, बाकी उन लोगों की मर्ज़ी है करते हैं नहीं करते ये फिर उनके ऊपर डिपेंड है। इस वक्त आपको अशद ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें को उसकी ज़रूरत है और हमारे नाज़रीन सुने वो आपके लिए लगवाए? वॉशरूम। वॉशरूम के लिए मतलब आप लोग घर में वॉशरूम नहीं बनवा सकते या बनाने के पैसे नहीं है आपके पास? अच्छा नाज़रीन, इस वक्त इनको एक ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको एक वॉशरूम बनवा के देने और यहाँ पर इनको मेन दरवाज़ा लगा के देने हैं। और हमारी तो कोशिश ऐसे होते हैं कि हम ऐसे लोगों को स्क्रीन पे लाए जो मुस्तहिक है, और हम जिस फैमिली के पास जाते हैं तो वो आप लोगों के सामने है, यही घर है,
हमारा कैमरा बिल्कुल दीवार के साथ लगा है, यही पूरा घर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक पानी का हैंडपम्प है जो वहाँ पर लगे, यहाँ पर तो आप लोगों को सामने की वहाँ पर वो जो है वो किचन है, वो कमरा है, तो वाशरूम ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जवान लड़कियाँ हैं बाहर जाते हैं, पड़ोसियों के घर पर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये सवाब आप लोग करें इनके साथ। तब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।